तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन पत्ती गोल्ड गेम से पैसा विड्रॉ करने के लिए तीन पत्ती गोल्ड गेम में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है इसके बारे में बताऊंगा और एक विड्रॉ भी लाइव प्रूफ आप सभी को लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आप भी तीन पत्ती गोल्ड गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो यहां पे मैंने तीन पत्ती गोल्ड गेम में गेम खेलकर 520 रुपए यहां पे विन कर लिया है। तो दोस्तों, इस पैसे को अगर मैं मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे यहां पे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी को बैंक अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है इसके बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो पे एक विड्रॉ करके ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो यहां पे टोटल बैलेंस 520 रुपए शो कर रहा है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो विड्रॉलेबल बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हो 370 रुपए, यानी कि 370 रुपए यहाँ पे हमारा विड्रॉ लेवल बैलेंस है। यानी कि दोस्तों, इतना पैसा जो है यहाँ पे मैं मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है 300 रुपीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। 300 रुपीज सिलेक्ट कर लिया, अभी आप देख सकते हो विड्रॉ। तो आपको क्या करना है, विड्रॉ वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे एक बार और कन्फर्म कर लेना है। दोस्तों, इसको यहाँ पे ऐसे बैक करके यहाँ पे एक बार अकाउंट नंबर को आपको कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालकर यहाँ पे ओके कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मेरा पूरा डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ और आप सभी को दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने मेरा अकाउंट नंबर डाल दिया, उसके बाद मेरा पूरा नाम और बैंक का आईएफएससी कोड और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से ही आ चुका है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ओके कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपीज का विड्रॉल यहाँ पे प्रोसेसिंग में शो कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं फिलहाल बैक आ जाता हूँ और अभी आप देख सकते हो यहाँ से हमारा 300 रुपीज यहाँ पे माइनस हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हो हमारा पैसा यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, आप सभी को चेक करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉ, तो इस वाले ऑप्शन पे वापस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल रिकॉर्ड, तो इस वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपीज यहाँ पे प्रोसेसिंग में शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये आधा घंटा 10 मिनट यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट भी आपको मिल सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, इसके लिए दोस्तों अभी तक यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आधे से एक घंटे में ये पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो तो इस तरह से दोस्तों, आप जो है तीन पत्ती गोल्ड गेम में बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।